सो ये गाइस, कैसे हैं आप सब? मिश्रा ब्लॉग्स की एक और नई और फ्रेश वीडियो में आप सभी का हमेशा की तरह बहुत बहुत स्वागत है। ऑटो यूनिक पे आए हुए सामने, तब देख पाओगे टाटा पंच लगी है। टाटा पंच का एडवेंचर वेरिएंट है ऑटोमेटिक में। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ आपको कंपनी ऑफर करती है आपको ऑलरेडी पता है, बट फिर भी बहुत सारी मॉडिफिकेशन या पार्ट है जो कि इस कार के अंदर होना है। काम क्या क्या होगा सारी चीज़ डिटेल में बताने वाले इस वीडियो के अंदर, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हो जो बेसिक टाइप का जो मॉडिफिकेशन होता है वो सारी चीज़ें इसके अंदर हो रही है। अपना वेलकम लाइट यहाँ पे इंस्टॉल किया जा रहा है पंच के अंदर, तो ये प्रॉपर अपना ब्लू लाइट वाला इसके अंदर इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे एक रैली की शीट होती है, उसके अंदर लाइट ऑप्शन आपको देने मिलते हैं, तो एक व्हाइट लाइट आता है, एक ब्लू लाइट आता है। तो यहाँ पे ब्लू लाइट वाला इंस्टॉल हो रहा है, मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद एक चीज़ देखो, यहाँ पे प्रॉपर इसके लिए अलग से वायरिंग डाली जाती है, ये नहीं कि यहाँ से कोई वायरिंग छील करके उसके अंदर तार डाल दी, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर आपके चारों दरवाजे के अंदर, चारों गेट्स के अंदर यहाँ पे प्रॉपर अलग से वायरिंग डाली जाती है, जिस वजह से आपकी कंपनी की जो वायरिंग है उस पर कोई भी कट नहीं लगते, जिससे कि आपकी वारंटी जो है वॉइड नहीं होती। बाकी अपनी कार के अंदर बहुत सारा काम होना है, बने रहिए वीडियो के साथ, सारी चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। तो काफ़ी सारा काम था, मैंने आपको पर्पज़ भी दिखाया था, जो कैसे कैसे प्रोसेस था काम का, सारी चीज़ मैंने आपको दिखाई थी वीडियो में, और फाइनली अपनी गाड़ी हो चुकी है कंप्लीट। अब काम क्या क्या हुआ है एवं फाइनली आपको जो है वीडियो में शो कर देता हूँ। सबसे पहला जो पार्ट आता है अपना यहाँ पर DRL का, तो वो DRL यानी कि एक सेट मैट्रिक्स वाला इसके अंदर इंस्टॉल हो चुका है। जब इंडिकेटर देते हो तो एज इट इज़ फ्लोट करता है, और आपको पार्किंग पे ये वाइट आपका प्रॉपर विजिबल होगा। हेडलाइट के अंदर ऑप्शन होता है, आप चाहो 3D इंस्टॉल कर सकते हो या फिर HID के साथ जा सकते हो, बट BNS को स्टॉक ही रखा है, कोई भी अपग्रेड नहीं किया। ऑप्शन और भी होता है, चाहो तो हेडलाइट ही पूरा बदल सकते हो, जो कि प्रोजेक्टर वाला आता है। नीचे की तरफ IPH के प्रोजेक्टर इंस्टॉल हुए, उसके अंदर Night Eye की LED इंस्टॉल की गई है। अभी डे टाइम में मैं आपको विजिबिलिटी तो चेकआउट नहीं करा पाऊंगा, बट काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी होती है Night Eye के LEDs की। बाकी ये कुछ आपको फ्रंट प्रोफाइल देने में मिल जाती है। एडवेंचर वेरिएंट है तो आपको व्हील कैप वगैरह सारी चीज़ें कंपनी ऑफर करती है, और ये वाला जो पार्ट है मतलब का भैया को कंपनी ने इंस्टॉल करके दिया हुआ था। उसके बाद बात करूँ तो ORVM मैंने आपको पहले ही बताया था, ORVM चाहो तो टॉप मॉडल वाला लगा सकते हो, जो कि ऑटो फोल्ड आता है। 4 पंच का रेन वाइजर यहाँ पे प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है। लोअर विंडो गार्निश का एक ऑप्शन होता है, चाहो तो वो भी इंस्टॉल करा सकते हो, BNS को स्टॉक ही रखा हुआ है। हैंडल क्रोम का भी ऑप्शन होता है, आईपॉप यहाँ पे भी हमने इंस्टॉल कराया, और साइड बेडिंग का भी एक पार्ट होता है, आप चाहो तो इंस्टॉल करा सकते हो। अब इसको पकड़ के पूरी गाड़ी शेक कर लो ना, गाड़ी शेक होगी बट आपका रूफ रेल कहीं जाएगा नहीं। पीछे की तरफ जो अपना डिफ्यूजर आता है, जो कि सिल्वर कलर की एक प्लेट होती है, आप चाहो तो भी इंस्टॉल करा सकते हो, BNS इसको स्टॉक ही रखा हुआ है। एक कैमरे का पार्ट होता है, कैमरा भी यहाँ पे प्रॉपर इंस्टॉल हो गया है, मैं आपको अंदर से चेकआउट भी करा दूंगा इसका कैसा रिजल्ट है। तो बाहर से जो सारा काम हुआ बेसिक मॉडिफिकेशन थी, चलते अंदर, और अंदर से भी आपको दिखाता हूँ क्या क्या काम हुआ। बात करो तो ऐसा दिख पाओगे डोर पैनल है, अब पैनल पे आपको ऑल 4 के अंदर पावर विंडो और एडजस्टेबल ORVM आपको देने में मिल जाते हैं इसके अंदर, तो ये एज इट इज़ कंपनी वाला पार्ट है। उसके बाद बताऊँ तो यहाँ पे पंच की जो वेलकम लाइट है वो प्रॉपर यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है, वेलकम लाइट बोलो वेलकम प्लेट बोलो इंस्टॉल कर दी गई है। उसके बाद बताऊँ तो यहाँ पे जो अंदर की तरफ फ्लोरिंग का पार्ट वो भी कंप्लीट हो चुका है। 70 मैट यहाँ पे प्रॉपर अपने ब्लैक कलर के, क्योंकि ऑल ब्लैक का टोन कहीं ना कहीं पूरी गाड़ी के अंदर है। जो सीट कवर भी है ना, तो सीट कवर भी कहीं ना कहीं ऑल ब्लैक का ही टोन यहाँ पे रखा गया है। आप यहाँ पे देख पाओगे कहीं ना कहीं ऑल ब्लैक का ही टोन है। जो बर्फी वाला डिज़ाइन है सेम एज इट इज़ ब्लैक का ही टोन रखा गया है। कहीं ना कहीं पूरा जो एक होल पार्ट है ना इंटीरियर का, वो ब्लैक कलर का ही है। आप चाहो तो डैशबोर्ड पे और अपने गत्ते पे इंटीरियर वर्क करा सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट देने मिलता है। बात करो तो स्टेयरिंग यहाँ पे रैप किया गया है OEM फिटमेंट के साथ, 0-0 सिलाई, कहीं से भी आपको गैप देखने को मिलता, तो प्रॉपर काफ़ी सही तरीके से इसकी सिलाई होती है। और इसके अंदर बॉस्टिक लगता है आपके स्टेयरिंग के ऊपर, फिर उसके बाद इसको लेदर रैप किया जाता है, फिर हाथ से स्टिचेज होती है। इसको करीब सिलने में करीब 1 घंटे के आसपास लग जाता है, तो काफ़ी लॉन्ग टाइम का पीरियड है, काफ़ी मेहनत लगती है इसको सिलने में। बाकी अपना ऑटोमेटिक वेरिएंट था भाई, और एडवेंचर के अंदर जैसा आप जानते हो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। एडवेंचर है तो एडवेंचर के अंदर आपको कुछ इस टाइप का डिस्प्ले देखने को मिलता है, बट भैया ने यहाँ पे 9 इंच के एंड्रॉइड से इसको अपग्रेड किया है। काफ़ी अच्छा इसका पार्ट रहता है, आप चाहो तो इंस्टॉल करा सकते हो। प्रॉपर फिटमेंट होती है कपलर टू कपलर, कहीं से आपकी एक भी वायरिंग जो है वो काटी नहीं जाती, जिस वजह से आपकी कोई भी वारंटी है वॉइड नहीं होती। तो प्रॉपर यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है 9 इंच का। और बात करो टच रिजल्ट की, तो टच रिजल्ट भी काफ़ी आपको अच्छा देने मिलता है। और कैनवस वाला इसके अंदर इंस्टॉल होता है, तो कैनवस के क्या क्या फ़ायदे होते हैं मैं बता देता हूँ दोबारा। कैनवस अगर नहीं लगाते हो ना टाटा की गाड़ी में, क्योंकि बेस मॉडल लेते हो तो बेस मॉडल में ये सारे नॉब्स या फिर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं आता, तो उसमें आपका कैनवस का जरूरत नहीं पड़ता। बट अगर आप एडवेंचर लेते हो या फिर बेस मॉडल रिदम के साथ लेते हो, उसमें आपको कैनवस इंस्टॉल कराना पड़ेगा, नहीं तो आपके जो कंट्रोल्स है यानी कि स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल हो गया, बाकी ये सारे नॉब्स हो गए, आपके वर्क नहीं करेंगे। तो आप ज़रूर कैनवस इंस्टॉल कराओ, और कैनवस जल्दी इंस्टॉल होता नहीं है सभी से, तो ये एक रिकमेंडेशन है कि जहाँ से आपको सूटेबल हो आप वीडियोस देखो, जहाँ से भी आपका मन करे वहाँ से अपना काम करा सकते हो। बाकी इसके अंदर ये अपना इंस्टॉल हो चुका है। कैबिन लाइट वगैरह सारी चीज़ें भी चेंज होनी, मैं आपको दिखा दूँगा सारा प्रोसेस। बाकी अपना ये कुछ इंटीरियर से प्रोफाइल है, और दैट इज़ अपना रियर में भी काम किया गया, तो रियर में भी काफ़ी अच्छी फिटमेंट है सीट कवर की। पीछे तब जो फ्लोरिंग का पार्ट था कंप्लीट हो चुका है, और एज इट इज़ अपना जो 70 मैट है वो भी यहाँ पर रख दिया गया है। आपके पास एक ऑप्शन होता है यहाँ पे आर्मरेस्ट, आप चाहो तो आर्मरेस्ट भी यहाँ पे इंस्टॉल करा सकते हो।
अब चलते हैं ऑनर के पास और आपको सारी चीज़ बताता हूँ डिटेल में कि भैया को काम कैसा लगा और कितने सेटिस्फाइड है और फिर बाकी चीज़ें बात करते हैं। सर फाइनली अपनी टाटा पंच एडवेंचर जितनी मॉडिफिकेशन देगी सारी चीज़ें जो डन कहीं ना कहीं बेसिक वर्क जितना भी होता है ना एडवेंचर के अंदर जो जो बेसिक वर्क होता है सारे काम हुए इसके अंदर। भैया हमारे प्राउड ऑनर का भैया से रिक्वेस्ट है तो नाम बता दीजिए। पंकज जी। पंकज जी अभी अपना नाम बता दीजिए। जयदीप। तो बेसिकली कैसे पता चला आपको ऑर्डर नहीं करा? बेसिकली यूट्यूब पे वीडियोज़ देखे थे, काफ़ी अच्छी वीडियोस थी, तो उसके बाद भैया को कॉल किया तो पहली बार बात करके अच्छा लगा। जो भी चीज़ें उन्होंने डिस्क्राइब करी सब कुछ पॉइंट था और काफ़ी अच्छा क्लैरिटी मिल गया, इसलिए मैंने कॉल कर दी। कल बात हुई थी शाम में और आज मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। गाड़ी कब लेके आया था? ये ऑलमोस्ट वन वीक हो गया ना। ओके, तो वन वीक पहले भैया ने गाड़ी ली थी और कल बात करके आज भैया विजिट किया। जैसा आपने सारा काम करा कैसा बता रहे? एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, जैसा एक्सपेक्टेड था उससे बेटर ही है। और भैया ने जो कमिटमेंट दिया था प्राइसिंग वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी वो दोनों सही अच्छा था। जो हमारे भाई देख रहे हैं आपको जैसे वीडियो देख रहे हैं बहुत सारे लोग, तो आ सकते हैं आप काम करें। बहुत रिकमेंड करूँगा भैया का और इनका नंबर यूट्यूब वीडियो से ही है और आप अभी भी ये शेयर कर देंगे वीडियो। ये भी है सिर्फ वीडियो बन रही है इसलिए नहीं बोल रहा है, रियलिटी है ये, सच है जो आपने देखा है और जो फील किया है और जो आंखों के सामने जो हुआ है वही बता रहा हूँ। आप सारा काम आपके सामने था। मेरा व्यू भी ऑब्वियसली सेटिस्फाई। एक अच्छा पॉइंट इन्होंने जो है जैसे इनसे बात किया कि आपको कॉस्ट वाइज भी एडवाइस करेंगे, क्वालिटी वाइज भी वो एडवाइस करेंगे एंड सबसे मेन चीज़ है वो जैसे मैं समझते हैं आप अपना बजट बताओ, उस बजट में क्या ये बेस कर सकते हैं, क्या बेस आपके गाड़ी के लिए फिट होगा वो भी वो आपको एडवाइस करेंगे। तो बहुत सारे जैसे होते हैं ना कि चलो अब पैसा ज़्यादा इसमें बजट नहीं है तो और हाई प्राइस में करो, तो ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं लगा, तो ये एक मच अप्रिशिएबल चीज़ है। नेक्सोन है भैया के पास, अभी नेक्सोन भैया वो भी ला रहे हैं नेक्सोन को लेके, उसमें भी भैया को भी सारा काम करा रहा है, तो आपके सामने है, सही कह रहा हूँ भैया, वो भी अभी कराने वाले हैं भैया। तो बाकी आपकी वीडियो जो लोग देख रहे हैं वो आ सकते हैं रियली। देखिए मैं एक छोटी सी चीज़ कहता हूँ, ओनरशिप रिव्यू एक ऐसी चीज़ है ना कि पूरे काम एक तरफ है, ओनरशिप रिव्यू एक तरफ है, काम आप सारा चीज़ देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इनको हमने ऐसा क्या हमने कहा आपको कुछ कि आपका ऐसा करना है? हमने कुछ नहीं कहा भैया, अपने आप सारा जो जेन्युइन चीज़ें वो चीज़ें बता रहे हैं और वो तब बता पा रहे हैं जब सुबह भैया यहाँ पे 10 बजे से बैठ के सारा काम अपनी आंखों के सामने देख। एक बार ज़रूर कॉन्टेक्ट करो ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हो हम, और बहुत जल्दी ये भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप दूर से हो जैसे आप साउथ की तरफ हो या नॉर्थ की तरफ हो तो कोशिश हम ये करेंगे यहाँ से एक अपनी टीम भेज के वहाँ पर काम करा देंगे, बहुत जल्दी ये भी शुरू करेंगे और कहीं से भी आप आ सकते हो, तो एक बार ज़रूर कोशिश करिए कॉन्टैक्ट करिए।